अच्छा पहले तो कवल इसके बारे में बताएं, व्हाट इज़ दिस द इम्पैक्ट मीटर, ये क्या है जी, और ये टेक प्लेटफॉर्म है, ये किस तरीके से काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है? इसका नाम है माई इम्पैक्ट मीटर. राइट और माई इम्पैक्ट मीटर आप अभी एक ऐप की फॉर्म में है जो कि आप अपने एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. माई स्पेस इम्पैक्ट स्पेस मीटर राइट सर्च करके. बेसिकली आइडिया ये है कि जब आप किसी भी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं तो उस सेक्टर को आप बहुत आसान कर देते हैं, उसके अंदर से आप फ्रिक्शन रिमूव करते हैं, उसके अंदर कन्वीनियंस ले आते हैं. तो हमने ये किया कि जो सोशल फिलेंथ्रॉपिक इम्पैक्ट या चैरिटी का सेक्टर है उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं. और उससे ये होगा कि शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, विजिबिलिटी, इक्विटेबिलिटी, ट्रेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि अभी देखें पाकिस्तान में जब आप कोई चैरिटी देते हैं वो एक ब्लैक बॉक्स में चला जाता है, आपको नहीं पता उस चैरिटी का क्या होता है. तो इस तरह जो है वो ये एक कोशिश है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू एक तो आप अपनी चैरिटी को ट्रेस कर सकें, दूसरा ये कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आपको नज़र आए इक्विटेबल हो, कि किसी के शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट जो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब नज़र आना शुरू हो जाए कि आसान प्लेटफॉर्म जवाब में. में बेसिकली आप उसको अपने जो इम्पैक्टर है, जो डोनर है, उसको एक डैशबोर्ड बना के दे देती हैं। उसने फॉर एग्जांपल $500 डोनेट किया, उसको ये पता है कि ये $500 किस फैमिली को इससे राशन मिला, उस बंदे का नाम क्या है, और वो जाके ये भी उस प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकता है कि ये कहीं और से तो राशन ही ले रहा, और वो तो उस पर इम्पैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है। सो बेसिकली यू गिव देम अ डैशबोर्ड और यूटिलाइजेशन ऑफ देयर मनी इज प्रीटी मच एविडेंट थ्रू दैट डैशबोर्ड। मतलब एक कह लें कि डोनर के लिए, जिसको हम इम्पैक्टर कहते हैं, पूरा एक एंड टू एंड चैरिटी प्लेटफॉर्म है. सही उसमें है वो उसके वॉलेट्स हैं, चैरिटी वॉलेट है, ज़कात कैलकुलेटर, ज़कात जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर ज़कात मार्क कर रहा है तो उसका ज़कात गोल रिटायर हो रहा है. फिर उसके पास अपने सारे डैशबोर्ड्स हैं, मैं कहाँ दे रहा हूँ या रही हूँ, क्या किस में दे रहा हूँ, कौन से कॉजेज़ में दे रही हूँ, मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, पूरी उसकी ट्रेस वो देख सकता है. फिर मैं कौन सी फैमिली को दे रहा हूँ, फिर अगर मैं लेट से किसी को राशन देती हूँ तो जब वो जाके दुकान से राशन लेते हैं वो भी मुझे नज़र आता है कि उन्होंने राशन ले लिया, मेरे पैसे उन तक चले गए. तो और इस जब तरह वो जो है राशन लेने अपने फॉर एग्जाम्पल एक बंदा को आपने ये पैसे उसको बता दिया, उसको SMS चला गया कि नाउ यू आर एलिजिबल, इतने इतने पैसों का तुम अपनी नई ग्रॉसरीज ले सकते हो, वो आपको बताएगा जी मैं इस इलाके में रहता हूँ, आप उसको गाइड करेंगे कि इस राशन वाली दुकान पे, इस किराने के स्टोर पर चले जाओ, उससे हमारी बात करो, उसको आप ऑनबोर्ड करेंगे, उसका कोई लॉग इन पासवर्ड या उसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. जब भी किसी को राशन पहली दफ़ा मिलता है हम उसको कॉल करते हैं और उसको बताते हैं जी तुम्हें राशन मिला है, तुम अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाओ, हमारी दुकानदार से बात करा दो. दुकानदार की एक बहुत ही सिंपल उर्दू में ऐप है जिस पे हम दुकानदार को फिर ऑनबोर्ड कर लेते हैं और फिर वहाँ से उसको राशन मिल जाता है और दुकानदार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. अच्छा, अभी रिसेंटली हमें थोड़ा सा ये मसला आया कि जब हम जो जो बेनिफिशरीज थे, जब जो इम्पैक्टीज जिन्हें कहते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जब कॉल करे तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि हैं राशन मिल रहा है, वो क्योंकि कैसे वो मिल रहा है, क्योंकि टीवी फ्रॉड बड़ा शोज हो रहा है. और वो और टीवी शोज से भी जाते हैं ना कि आप फलां शो का जो है पास जीत गए, इतने पैसे जमा हाँ कराए, हाँ आपको जी पास बिल्कुल. भेजेंगे। तो उन्हें कुछ, अभी हमारी एक, बल्कि मैं कंप्लेंट देख रही थी किसी डोनर की तरफ से कि उसने 2 हफ्ते पहले राशन दिया और अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ, मगर उसको नज़र आ रहा है, उसको नज़र आ रहा है कि 2 हफ्ते पहले मैंने राशन दिया था, वो अभी तक उठाया नहीं गया. सही ठीक है, है, तो अब हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जिसको उन्होंने, क्योंकि अलखदमत ने पूरे पाकिस्तान से लोगों को ऐड किया हुआ है जो बहुत डिजर्विंग लोग हैं उनको ऐड किया हुआ है, मगर उनमें से कुछ लोग हैं जो जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो कोई फ्रॉड ना हो. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उन्हें हम पहुंचा दें, नहीं पहुंचा सकेंगे तो हम उनको, अब क्योंकि देखें हम भी चीट नहीं कर सकते, आपको नज़र आ रहा है जी आपने राशन किसी को दिया था, उसने पिक नहीं किया, वो दोबारा आपके पास पैसे वापस आ जाएंगे, आपके वॉलेट में दोबारा आ जाएंगे. और उस बंदे की सारी डिटेल जो है वो मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल मैं अगर बिल्कुल, उसको डायरेक्ट भी कांटेक्ट करना चाहूँ उसके करना चाहें तो नंबर और आप वो कर कर सकते. सकते हैं, और मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि ये आपको आया है या आपके बिहाफ के ऊपर किसी और ने। हाँ देखें, टेक्नोलॉजी में सारा कुछ पूरा नज़र आ रहा है उसे कि भाई उस वक्त उसने पिक कर लिया, नहीं पिक किया. कुछ बेवाएँ हैं जो अलखिदमत ने ऐड किया, उनके नंबर नहीं डालते क्योंकि फिर उन्हें लोग तंग करना शुरू कर सही देते हैं, है, उन्हें गलत कॉल्स करना शुरू कर देते हैं. माशाल्लाह उसके तो हम प्लेयर हैं, चैंपियंस हैं। जी इसके अंदर जो टोटल NGOs हैं वो तकरीबन कितनी NGOs अभी तक आपने इनरोल कर ली हैं? ऑलमोस्ट 40 NGOs तक तकरीबन हो चुका ठीक है. है, एंड कोई स्पेसिफिक कोई कॉज है विच इज़ रियली क्लोज टू योर हार्ट, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नज़र आती है? NGOs पे होता है क्योंकि जब NGO आती है उसकी मर्जी होती है कि वो कौन सी कॉज डाल रही है, क्या पैकेजेस डाल रही है. अगर मेरी बात की जाए तो ऑर्फन्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मतलब जो ऑर्फन्स होते हैं दैट दैट इज़ वेरी क्लोज. मगर वो यही बात, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि जो डोनर है वो देखे कि उसको कौन सी कॉज अट्रैक्ट करती है, उसको सारी कॉजेज एक ही जगह पर नज़र आ रही हैं,
तो फिर वो उस अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से व्हाट यू केयर अबाउट, आप उस पे डोनेट कर सकते हैं. और गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई रोल, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ अ बॉडी जो कि आपसे पूछगछ करती है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, हमारा क्योंकि एक टेक प्लेटफॉर्म है और एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब व्हाटएवर गोज यू कैन सी द एंटायर फ्लो ऑफ मनी. तो हमारे ऊपर हमारी कोई लायबिलिटी है ही नहीं है सच, क्योंकि एनजीओ है, एनजीओ हमारी इतनी लायबिलिटी है कि हम चेक करते हैं कि एनजीओ को गवर्नमेंट ने, जो एनजीओ हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही है उसको गवर्नमेंट ने फुली सारे उसके पास सब प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, फिर हम एक दफ़ा जाकर उसको विजिट भी कर लेते हैं, अच्छे काम करिए, फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होती है. तो वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही उसको कहा है कि ये सही वाली एनजीओ है, तो वो आती है. फिर जो जो आप किसी को राशन देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भी आपको पूरा उसका भी फ्लो नज़र आ रहा है कि आपने 6,000 रुपये राशन दिए, आपको नज़र आ रहा है उस पर आपने 1% हमें दिया, वो आप अलग से भी दे सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म में नज़र आ रहा है. फिर जब वो जाके राशन पिक होता है वो भी आपको नज़र आ रहा है. सो इट्स ऑल कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. और हमारा जितना एनी कैश आउट, मतलब डू यू गाइस मेक मनी आउट ऑफ इट? कोई पैसे बनाने की भी रुझान है कि बिकॉज हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड? 20 पीपल हु आर वर्किंग विद यू. सो 20 लोगों के जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, सैलरीज एंड एवरीथिंग, कॉस्ट ऑफ द ऑफिस, सो वो किस तरीके से मैनेज होती है? देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म जो है, जब तक आप उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी का एलिमेंट नहीं रखेंगे वो चल ही नहीं सकता. ठीक है, और स्पेशली ये प्लेटफॉर्म तो सिर्फ पाकिस्तान में टेस्ट हो रहा है, इट्स ओनली पायलट, इट्स ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म. इट्स टेक कंपनी, जैसे उबर है, उसने टैक्सी कंपनी को, टैक्सी पूरी इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजिकली रेवोल्यूशनाइज किया. एयरबीएनबी ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया. देयर ग्लोबल कंपनीज, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ ग्लोबल कंपनी फॉर द चैरिटी सेक्टर. तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल. तो हम बिल्कुल करते हैं, मगर टेक्नोलॉजी में सबसे जो फ़ायदा होता है वो ये कि इट कैन स्केल. तो हमने ये देखा कि जो एनजीओज हैं वर्ल्ड वाइड, जो एनजीओज पैसे रेज करती हैं, उनको 60-70% लगता है दे हैव टू स्पेंड टू रेज द मनी. ठीक है, सो फॉर एवरी $10 दे आर रेजिंग, दे आर स्पेंडिंग अबाउट $6 टू रेज दोस $10. पाकिस्तान में थोड़ी कम कॉस्ट है. पाकिस्तान में एनजीओ स्पेंड अबाउट 30%, विच इज $3 फॉर एवरी $10 दैट दे आर रेजिंग. उसमें फेसबुक एड्स आ गए, फ्लाई एड्स आ गए, फंड रेजर्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हमने उस कॉस्ट को बहुत कम कर दिया. हम कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ रजिस्टर करते हैं, हमारे थ्रू जो है वो आपको मिलती है, डोनेशन मिलती है, तो वी विल चार्ज यू अबाउट फ्रॉम $0.5 to $0.8, बिटवीन $0.5 and $0.8 फॉर एवरी $10. मतलब कि 5-8% हम एनजीओस को चार्ज करते हैं. ग्रोसरी पे हम 1% चार्ज करते हैं, जो कि डोनर को नज़र आता है. जो स्कूल्स हैं उस पे, स्कूल्स या वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स को और स्कूल्स को कहा हुआ है कि वो अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते. इनफैक्ट वो अपनी फीस बल्कि कम कर देते हैं नॉर्मल फीस से भी. तो मगर क्योंकि हम उनको नए स्टूडेंट्स ला के दे रहे हैं, एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो वो हमें उस स्टूडेंट का 1% जो है वो हमें देते हैं, बिटवीन 5-8%. दिस इज वन टाइम फी और ये एवरी टाइम इट हैपेंस ऑन एवरी ट्रांजैक्शन? हर फी के ऊपर, हर डोनेशन के ऊपर आप वो पैसे चार्ज करेंगे? देखिए, क्योंकि हमने जो टेक प्लेटफॉर्म है उसमें हमने एक बच्चा, आप उसको किसी स्कूल में दाखिल कराते हैं, अब उस बच्चे का एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, उसकी अटेंडेंस आएगी, उसका रिजल्ट आएगा, डोनर को रियल टाइम में नज़र आ रहा है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, उस बच्चे को हम मेंटेन कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और स्कूल को भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. स्कूल को एक काइंड ऑफ हमने एक लर्निंग मैनेज, मतलब एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है, जो कि उसमें वो स्टूडेंट का रिजल्ट डाल सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस वगैरह डाल सकते हैं, जो डोनर देख सकता है. तो क्योंकि वो एक ऑनगोइंग सर्विस है, तो वो सब्सक्रिप्शन है 5-8% के लिए.